हमने देखा है कि अक्सर मोमिन और मौलवी लौंडियों की बात करने से कतराते हैं और ये कह देते हैं कि आजकल तो नहीं हो रहा है, आजकल के जमाने में नहीं हो रहा है, 1400 साल पुरानी बात है। मगर ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लौंडी एक्चुअली है कौन। लौंडी का जो मतलब है ना, वो है काफिर औरतें, मतलब कि हमारी जैसी औरतें। और अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं तो आइए ये वीडियो देखते हैं, इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप लाइट ऑन करेंगे? वेट। जी, कैमरे पे आए ना, ऐसे अच्छा लगता है बात करना। बोलिए। जी, आप कब मुझे क्यों गालियां दे रहे थे नीचे? हेलो, फिर अंधेरा हो गया। बस दिल हो रहा था देने का। अच्छा, आपका दिल कर रहा था गाली देने का, तो आप क्यों? मैं आपकी बहन का रिश्ता मांग रहे? आपके करतूत ही ऐसे हैं। नहीं, मैंने आपकी बहन का रिश्ता, तो मैं आपकी क्या, आपकी कुछ लगती हूँ? मैं क्या लगती हूँ आपकी? हाँ ना, क्या लगती हूँ तुम मैं? जैसी को हम रोज ऐसे जाकर जोतते हैं। मगर इस्लाम में तो मना है जोतना, ये तो हराम काम कर रहे हैं आप। इस्लाम में तो कहा है कि शादी से पहले जो है जिना है। इस्लाम में ये कहते हैं कि तुम्हारी जैसी जो हो ना, उनको सही टका मेरी टका के जैसी जोड़ो। कैसी, मेरी जैसी कैसी, मेरे जैसी कैसी, एक कोई वर्ड दिया होगा इस्लाम में आपकी, राइट? तो वो कौन सी है, मेरे जैसी कैसी? आप जरा इलाबरेट करें उस पर। वो जो होती है ना, मतलब कोठे वाली। कोठे वाली? तो मगर मुसलमान को तो शादी से पहले सेक्स करना जिना में आ जाता है, तो आप कैसे कर रहे हैं? चाहे वो कोठे वाली हो, चाहे वो कोई भी हो, औरत तो वो कोई भी हो, मगर आप तो जिना कर रहे हैं ना, आप तो हराम काम कर रहे हैं, राइट? गुनाह कबीरा। क्या हुआ, लो कहाँ गए आप? एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे थे, मैं आपको समझाती हूँ कहना क्या चाह रहे थे। एक्चुअली उनसे सही से समझाया नहीं गया। वो कहना ये चाह रहे थे कि हमारे जैसी, मतलब के काफिर, इनफिडेल, काफिर औरतें या लौंडियां, जैसे आप लोग बोलते हो ना लौंडियां। जी, तो लौंडियों के साथ अपेरेंटली इस्लाम में आप सेक्स कर सकते हैं बिफोर मैरिज। मगर हाँ, कोई मुसलमान लड़की है तो उसके साथ सेक्स बिफोर मैरिज जिना में आम जाता है। तो जी, ये आपके दिमाग में जब सिखाया जाएगा कि भाई ये तो इनफिडेल, तुम्हारे जैसी तो हम मुंह कर देते हैं, तुम्हारे जैसी तो हम मुंह कर देते हैं, तो भाई एक मक्खी नीचे उड़ सकते हो। तुम अपनी शक्ल देखी थी तुमने, हमारा इतना फट गई हो नीचे भाग। जहां मैंने दो क्वेश्चन रखे, तुम खा रहे हो ऊपर सही पे आए कि तू हलाल काम कर रहा है या हराम कर रहा है, तो बाकी हर्रमी, इसको कहते हैं हर्रमी लोग, दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड, मुनाफिक। मुनाफिक एक तरफ तो आप कह रहे हैं मेरे अच्छे मुसलमान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं जिना कर रहा हूं। अरे, हटा क्यों दिया था? मैंने तो नहीं हटाया था, आप खुद ही छोड़ के भाग गए थे। मैंने आपसे सवाल किया था, आप भाग गए यहां से। नहीं, आई थिंक शायद नेट का इशू हुआ। मैंने देखा तो ऑफ हो गया अच्छा, था। तो आपकी मुझे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी शादी तो हुई है मगर आप जाकर लड़की के साथ सेक्स करो? ब्रो, क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि मेरी शादी हुई है, मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं लड़कियों के साथ जाकर सेक्स कर रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूँ, हाँ ये कह रहे हाँ हैं आप? लेकिन जी, तो आप प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं? नहीं, जो आप जैसी होती है ना, तो फिर उनके लिए लाजमी जरूरी होता है ना ये चीज। प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐसे तो आपको मुंह ना लगाएंगे कभी, ठीक है ना? मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरे पे आंख भी डालो, ओके, लेट अलोन कि मैं आपको अपने आपको हाथ लगाने दूं। मगर मैं आपसे एक बात कर रही हूँ कि मेरे जैसी, अगर आप कोठे वाली को भी बोल रहे हो, तो आप कोठे पे जा क्यों रहे हैं? आप तो मुसलमान है, आपका तो किसी के साथ भी सेक्स करना हराम है कि नहीं है? जिना है कि नहीं है नहीं, हराम? ये चीज तो है, लेकिन आप जैसी जो होती है ना, उनके लिए नहीं है ना ये नहीं, चीज। जो है मेरी ना, जिंदगी तो सही, छोड़ो, जो आप ओरिजिनल। जाके प्रोस्टिट्यूट के पास तो आ जाकर सो रहे हो, वो हराम काम है या हलाल काम है, बताइए?
नहीं, जो आप जैसे होती है ना, वो उनके लिए ये चीज हलाल हो जाती है ना, अच्छा उनके लिए हलाल होता है, नहीं मेरे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि मैं हाँ तो हूँ ही मुसलमान। देखिए मैं तो हूँ ही मुसलमान ना, मैं आप अच्छे मुसलमान के बारे में पूछ रही हूँ, जो वहां पे बैठ के मुझको ये समझता है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं उस मुसलमान की बात कर रही हूँ। आप कितने अच्छे हैं, मैं हम ये जानना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरे रिलीजन में शादी से पहले जिना हराम है, मगर मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर सेक्स करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं हराम काम करता हूँ। बिल्कुल यही कहते हैं हम, अच्छा कहते तो हैं यार आप हराम काम आप करें, आप करते करें, हो, आप ठीक कनाडा है में रहती हैं, ठीक आप कनाडा में रहती हैं, आप करो। है, आप हराम काम करो तो ठीक है, मगर मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ इंतजार लोगों को टम किया है तो मैं वैसी हो गई क्यों? आप ऐसा काम क्यों करें, क्यों, कोई मजबूरी हो इंसान की, बंदा बोले माँ ना बेटी ना कुछ, मेरा आपसे कोई बात नहीं, मैं जानती नहीं आप कौन हूँ, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों पड़ी है? यार, एक चीज है ना, जो हमें बताया गया है हम उसको दूसरों तक पहुंचाए ना, ये चीज सही नहीं है। यार हम क्यों, करना चाहते हैं, यही बात है आप लोगों की कि अपनी चीज दूसरों पे मत थोपो और जज नहीं करो। अगर मैं इसमें यहाँ टैंक टॉप पहन के बैठी हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, वेस्ट में सारी औरतें प्रोस्टिट्यूट नहीं होती हैं, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली का, मगर एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी बंदा ही जाता है, आप ही जाते हो ना, औरत तो नहीं जा रही ना प्रोस्टिट्यूट के पास, हराम काम करने तो आप भी जा रहे हम, हो, तो पहले अपने काम यार तो सही जो करो। मैंने मैंने हाँ, बिल्कुल, मैंने ये बोला ना, मैंने बोला जो आपके जैसी होगी ना उसके साथ लाजमी करूँ। उसके साथ लाजमी करूंगा, तो ये तो ठरक हुई आपकी, ये तो ठरक हुई ना आपकी, यार ठरक ये ठरक तो अलग ठरक चीज है हो गई ना, ना, मुझे बात तो बताइए, आप मुझे बात ये बताएं, चीज, ये आप मुझे बताएं, आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं आज तक, मुझे ये बताइएगा, आपकी एज भी मैं बताइएगा एक, साथ। मेरी एज होगी इस टाइम तकरीबन 31। तकरीबन क्या आपको अपनी एज ही खुद नहीं पता क्या, आपकी एज क्या है? डेफिनेटली ये 31, हाँ 31, 24 अप्रैल को पूरा मतलब 31 हो जाएगी। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई है? शादी नहीं, नहीं हुई है, तो वो आप हमारे कहाँ काम हमारे करते हो, पाकिस्तान आप हमारे किसी जगह पाकिस्तानी कितनी लड़कियों के साथ काम पॉलिटिशियन करते हो, आप कितनी लड़कियों के हमारा साथ ये काम पॉलिटिशियन है करते ना, हो? बहुत हाँ है, तकरीबन गिनती में नहीं आती। हमारा पॉलिटिशियन बोलता है ना, शेख रशीद, नाम सुना होगा ना, वो बोलता है जब एक चीज का दूध बाहर से मिलता है ना, अपनी भैंस रखने की कोई जरूरत नहीं। मगर मैं तो समझ रही हूँ पाकिस्तान एक हलाल मुल्क है, वहां पर आप कैसे ये काम कर सकते हैं, आपकी तो शादी नहीं हुई, आप इतनी दफा जिना कर चुके हैं, आपको डर नहीं लगता क्या आपके अल्लाह ने आपको दोजख की आग में जलाएंगे? नहीं, हम उस चीज से डरते ना जो वाकई हक पे हो, सच पे हो, वो लड़की जो जो ऐसा काम बिल्कुल हरगिज, जिसका जहन ना हो इस साइड पे, उसको उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखो। जो ऐसा काम करे उसको तो ऐसे उठा उठा के मारो। मेरी समझ में नहीं आई, नहीं मेरी समझ नहीं आई, आपका काम कहता है कि अगर कोई औरत प्रोस्टिट्यूट है तो उसके साथ जाकर सेक्स कर लो, मगर फिर आपका कुरान ये भी कहता है कि जिना नहीं करो शादी से पहले। अब आप जैसी, जो मैंने फिर वही बात आ जाती है ना, लेकिन ये नहीं कि उसके सर पे हाथ रखो या उसके ऊपर जाके चढ़ जाओ, ये सिखाता है। चला आवाज गया, नहीं आ रही, क्या बोला? मैं कह रही हूँ कि आपका इंसान ये नहीं कहता कि भाई कोई औरत अपना जिसमें पैर गिर गया तो उसकी हेल्प करो, वो कहता है कि नहीं जा कर उसके ऊपर और चढ़ जाओ। जो ऐसे काम कर रही है उसकी हेल्प ही कर रहे हैं ना, उसको पैसे देंगे, जाहिर सी बात है उसकी हेल्प होगी। मजबूरी में नहीं कर रही, आपको कैसे नहीं पता, मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो कि मर्दों को भेजते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, आपको तो नहीं पता ना, उसको तो पेट पालना है अपने बच्चे का, तो आप जाकर ये नहीं कि भाई बेचारी है तो मैं हेल्प आउट कर दूं, आप कहते हो
हेल्प वो वैसी हेल्प चाहती नहीं है ना, जो ऐसी हेल्प नहीं चाहती उनके साथ वैसी हेल्प करो जो वो चाहती है। किसी को इस्लाम में लाने के लिए जाओगे तो आप उनसे ये कहोगे कि देखो इस्लाम में ऐसी औरतें भी है, उनके साथ आप उनके ऊपर चढ़ जाओ। जिसको इस्लाम ये जिसको भी है कि जिसको सेक्स बिफोर मैरिज इज नॉट अलाउड, देना है। हाँ जिसको इस्लाम में आना होगा ना, वो हमसे नहीं पूछ के आएगा ना आपसे पूछ के आएगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा। जिसको नहीं आना, आप शराब पीते नहीं है कि नहीं? क्या हुआ? क्या आप पीते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपकी समझ नहीं आई क्या? आप क्या पीते हैं या नहीं नहीं पीते? नहीं कब शराब? अरे हाथ नहीं आप लग हाथ हाथ ही वैसा नहीं क्या लगाया तो कोई। बड़ी शराब चलती है वहां पर? चलती होगी, हम क्या बोले हैं। जिसको पीना है वो, आप जिसने पीनी होगी, जिसने 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 इस्लाम इस्लाम बिल्कुल ये नहीं कहता कि शराब तुम नहीं पियो। देखो बीमारी में इंसान को पीनी पड़ जाती है, शराब ऐसी चीज है बीमारी में लाजमी इंसान पीता है। कोई ऐसी अच्छा शिफा होती है वो शराब में भी है। तो आप शराब पी सकते हो, यानी इसका मतलब है अगर कोई टाइम आया ऐसा कि हाँ शराब पीनी पड़े मजबूरी में, कोई लड़की पीनी वहां पर मजबूरी होगी तो हो उसके तो लिए आप पी पियो, सकते हैं, आप उसमें मजबूरी उसमें इस्लाम बिल्कुल मजबूरी हो तो ऐसा इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता कि शराब नहीं पियो। मजबूरी है ना, एक मजबूरी में बातें बोलते रहिए, क्योंकि ये जो आज आप बोल रहे हैं ना इससे जी रिलेटेड जी कोई इस्लाम है, आपका एक स्टैंडर्ड है ना। और दूसरी बात ये है कि मेरे जैसी लड़की औरत जो है ना, आप जैसे लोगों के लिए इससे पहले आप मेरे हाथ लगाओ, मैं तेल डाल के अपने आप को आग लगा के मर जाऊंगी, इससे पहले मैं तो सफर करूंगी आप मेरे ऊपर चढ़े, समझ में आएगा? तो अपना ये दिमाग जो है ना ऊपर रखते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसी लड़की आपको अपनी टट्टी ना दे, वरना भाई टट्टी खराब हो जाए, मैं उल्टी ना करूँ मेरी उल्टी खराब हो जाए, आपकी ऐसी शक्ल है, समझ नहीं ना आपको? तो अपना ये देखना तो है तुम्हारे जैसी लड़की पे चढ़ जाएंगे कुछ, आप चढ़ सकते हो शायद किसी को खरीद सकते हो ना, आपकी औकात नहीं है नहीं आप मुझको खरीद सको, ठीक है ना? अभी आप जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन बताओ जो आपके अंदर है, जाकर अपनी ये याद नहीं हो कि कितनी इन्होंने सेक्स किया है लोगों के साथ, ठीक है? हाँ आपकी, अब आपकी बहुत अच्छे तरीके से हमने ले ली है, अब आप यहाँ जा सकते। सो दिस इज द थिंकिंग, देख लीजिए इसका तो सही का टाइम का क्लिप निकलेगा। हा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।